फ्लेक्सिबल बजट, आज का टॉपिक हमारा फ्लेक्सिबल बजट है। फ्लेक्सी देखो, बजट हम जानते हैं, हमेशा फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमारा बजट होता है। जैसे सेल्स के लिए हम बजट बनाते हैं कि हमारा कितना सेल्स होगा, कितना हमारा कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट बजट बनता है, मेटेरियल बजट होता है, प्रोडक्शन बजट, हम सब चीज़ों का बजट बनाते हैं ताकि जब एक्चुअल एक्टिविटीज़ हों तो अपन उनसे उसको कंपेयर करके करेक्टिव एक्शंस ले सकें कि हमारा जो बजट है, जो हमने बनाया था, वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं। उसी सिलसिले में हम एक फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे। देखिए, हमारी 100% एक्टिविटी है, सपोज हम 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, सपोज हम 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करें तो हमारा कितना कॉस्ट या प्रॉफिट होगा। अगर हमारा 60% पे हम काम करते हैं तो कितना हमारा कॉस्ट या कितना प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे जब बजट बनाया जाता है तो उसे हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। अब एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, उससे फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, विद द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द विद द फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी, ये जो डेटा है 60% एक्टिविटी का है, प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% एक्टिविटी। आपको ये जो डेटा है ये 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे गिवन है, हमें 80 और 100% का बजट बनाना है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन 60% पे आप 600 यूनिट्स करते हैं, ठीक है, मटेरियल आपका जो है वो 100 रुपीज पर यूनिट लग रहा है, लेबर आपका जो है वो 40 पर यूनिट है, एक्सपेंसेस 10 रुपीज पर यूनिट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000 है, लेकिन इसमें 40% फिक्स्ड है, इसका मतलब बाकी जो बैलेंस 60% है वो वेरिएबल है। आपको पता है एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30,000 है, इसमें 60% फिक्स्ड है, इट मीन्स 40% वेरिएबल है। अब फिक्स और वेरिएबल हम जानते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो फिक्स रहते हैं चाहे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करें या डिक्रीज, और वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जो चेंज होते हैं विद द प्रोडक्शन साइज। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कम अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज, तो विद द प्रोडक्शन जो इंक्रीज डिक्रीज होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और विद द प्रोडक्शन साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, कॉन्स्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, वो फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल बजट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, आपके नॉर्मल, वैसे तो मैंने दो कॉस्ट बताई, फिक्स और एक वेरिएबल, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट और होती है, सेमी वेरिएबल जिसमें, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल मतलब इसमें कुछ पार्ट आपका फिक्स है और कुछ वेरिएबल। तो यहाँ फ्लेक्सिबल बजट में हमारा यही काम होता है, हमें जो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें फिक्स और वेरिएबल को सेपरेट करना है, और फिर आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे टोटल कॉस्ट बतानी है कि हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये देखिए, आपको 60% की डिटेल क्वेश्चन में गिवन है, हमें 80 और 100% का बजट बनाना है, तो हमने ऐसे तीन कॉलम बना लिए। सबसे पहले मैं यहां प्रोडक्शन लिखूंगा। अब आपको प्रोडक्शन जो है वो यहां पर 600 यूनिट्स गिवन था क्वेश्चन में, ये रहा 600 यूनिट्स। अब आप बताइए 60% एक्टिविटी पे आप 600 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 80% पे कितना करेंगे, सोचिए। चलिए देखिए कैसे होगा, 600 यूनिट्स, ये वर्किंग नोट में कर रहा हूं, 600 यूनिट जो है वो किस लेवल पे है, 60% पे, तो मैं डिवाइडेड बाय 60 कर देता हूं और इनटू अगर मैं 80 करूंगा तो आपका 80% पे निकल जाएगा, तो ये आपका 800 यूनिट्स आ जाएगा। ऐसे ही 600 जो है वो कितना परसेंट, 60% लेवल एक्टिविटी का, तो डिवाइडेड बाय 60 हमें निकालना है किसका है, 100 का, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 1000 यूनिट आ जाएगा। तो
तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन में आपको यही काम करना होगा, 60% पे आप 600 यूनिट बना रहे हो तो 80 पे कितना बनेगा आपके 800, 80 पे आपके जो बनेगा वो कितना बनेगा 800, तो ये आपने 800 बनाया, 1000 बनेगा आपके 100% पे, ये हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम कॉस्ट लिखेंगे तो कॉस्ट देखिए, सबसे पहले कॉस्ट आपका मटेरियल था, ये मैंने लिखा मटेरियल, आपको गिवन था 100 रुपीज पर यूनिट, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 60,000, 100 को इससे करेंगे तो 80,000 और 100 को 1000 से करेंगे तो 1 लाख, ये आपका मटेरियल। ऐसे ही लेबर आपको गिवन था 40 रुपीज पर यूनिट, देखिए लेबर कितना है 40 रुपीज पर यूनिट, 40 को यूनिट से इनटू करेंगे 24,000, 40 को इससे करेंगे 32,000, 40 को 1000 से करेंगे 40,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको 40 रुपीज पर यूनिट गिवन है, आपने यूनिट से मल्टीप्लाई किया, आपका कॉस्ट आ गया। उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस, आपको गिवन है 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट था तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6,000, 8,000, 10,000, जब आपने इसे टोटल करेंगे तो ये आपका आता है प्राइम कॉस्ट, इसे हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट में आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम ऐड करते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट आता है, तो आप इस तरह से इसे प्लस कर देंगे, तो ये आपका आ रहा है 90,000, 120, 150, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आप यहां लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा था वो लिखा, चलिए इसमें 40,000 है लेकिन 40% फिक्स्ड है, इसका मतलब बाकी बैलेंस 60% क्या है वेरिएबल, तो आपको ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में इस तरह से फिक्स्ड और वेरिएबल इस तरह से बांटना है। चलिए आप मुझे बताइए आपका 60% की डिटेल गिवन है, इसी में लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, आपका टोटल 40,000 है, इसका 40% फिक्स्ड है, 40,000 का 40% निकालते हैं तो 16,000 आता है, इसका मतलब बाकी 60% जो है वो वेरिएबल है, तो आप उसका बाकी 60% निकालेंगे तो वो 24,000 आएगा, 40,000 का 40% 16,000 होता है, वो फिक्स है, बाकी 60% वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल। अब आगे आप क्या करेंगे, देखिए 16,000 आपका फिक्स है, ये हमेशा फिक्स रहता है, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज करो या डिक्रीज, तो आप इसे तो कॉपी कर देंगे क्योंकि 16,000 में कोई चेंज नहीं होगा, 16,000 वेरिएबल तो आपका चेंज होता है, देखिए यहां प्रोडक्शन कितना था 600, यहां प्रोडक्शन कितना है 800, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो ध्यान रखिए कैसे इंक्रीज करेंगे, 24,000 को कैसे करोगे इंक्रीज, ये 24,000 कितनी यूनिट का है 600, तो इसमें आप डिवाइडेड बाय 600 कर देंगे, 24,000 में डिवाइडेड बाय क्या करोगे 600, तो ये पर यूनिट आपका 40 आ जाएगा, 40 पर यूनिट। अब ये 40 को फिर इससे 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, इसको करेंगे तो 40, वेरिएबल हमेशा ऐसे ही होगा, जो अमाउंट है उसमें आप क्वांटिटी डिवाइड करोगे पर यूनिट आ जाएगा, और फिर पर यूनिट को आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में भी कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड है और कुछ आपका वेरिएबल है, किस तरह से, देखिए 30,000 का 60% फिक्स्ड है, 30,000 का 60% कैलकुलेट करते हैं 18,000 आता है, इसका मतलब बाकी 40,000 जो है वो वेरिएबल है, तो 40,000 आप निकालते हैं तो 12,000 आता है,
40% जब निकालेंगे तो 12। अब फिक्स तो मैंने कहा था आप कॉपी कर दीजिए, वो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल जो है वो चेंज होता है, तो उसका करने का तरीका 12,000 में डिवाइडेड बाय करोगे 600 यूनिट, ये 20 रुपीज पर यूनिट आ गया। अब इस 20 को आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1600,000, 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, ठीक है। अब ये जब अपन इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे तो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट जब आप करेंगे तो ये आपका आ रहा है 160, ये टोटल करेंगे 160, जब इसका टोटल करेंगे तो 2,02,000 आ जाएगा, और इसका जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 244, ठीक है। तो ये आपने इसका टोटल कर दिया। अब यहां नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट पर यूनिट पूछे तो ये टोटल कॉस्ट आया है, इसमें यूनिट्स आप डिवाइड करके यहां कॉस्ट पर यूनिट और एक्सप्लेन कर सकते हैं, या नहीं पूछा इसीलिए मैं क्वेश्चन को यहीं फिनिश कर रहा हूं। अदरवाइज आप ध्यान रखें, अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट पूछे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल चुका है, इसमें 600 डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, इसमें 800 डिवाइड करेंगे यहां आ जाएगा, और 244 में 1000 डिवाइड करेंगे तो ये कॉस्ट पर यूनिट अगर पूछे तो निकालें, ठीक है। तो ये आपका फ्लेक्सिबल बजट है, आप इसे कीजिए, और क्वेश्चन करने का तरीका आपका वही होना चाहिए, आप क्वेश्चन पहले लिखें फिर उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप करें। पहला मैंने आपको किया यहां तक, तो आप पॉज करके वहां तक क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद ये करें, तो साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं पॉज करके, फिर जब कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए तो फिर आप पूरा एक साथ उसे करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर अदरवाइज आपने बिना किए इसे एक बार पूरा वीडियो देख लिया तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में, क्योंकि एक बार सारी चीजें एक साथ अगर आप देखेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देख के और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।